मवेशियों और पशुओं में लंपी रोग दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। अब वन्य जीवों में भी गार्ड जैसी बीमारी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान के बाड़मेर में 35 हिरणों में लंपी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। अब देश भर के जू अलर्ट्स हो गए हैं। नागपुर में प्रसिद्ध महाराज बाग प्राणी संग्रहालय में प्रशासन ने सुरक्षा के उपाय शुरू कर दिए हैं। जिस पिंजरे में हिरण नीलगाय को रखा जाता है वहां जंतुनाशक पाउडर डाला जा रहा है। इतना ही नहीं, दिन में दो बार फिनाइल का छिड़काव भी किया जाता है। अभी तक किसी भी जानवर में लंपी वायरस जैसी बीमारी के लक्षण नहीं दिखे हैं। हालांकि महाराज बाग प्राणी संग्रहालय के कर्मचारी कड़ी नजर रखे हुए है। ऐसी जानकारी महाराज बाग प्राणी संग्रहालय के डॉक्टर सुनील बावस्कर ने दी है। कोरोना काल में जंगली जानवर कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं होना चाहिए, इसके लिए एहतियात बरती जा रही थी। अभी भी यही प्रक्रिया अपनाई जा रही है। महाराज बाग में हर जानवर की पिंजरे और क्षेत्र को समय समय पर कीटाणु रहित किया जाता है। हालांकि लंपी का खतरा कम है, उचित देखभाल की जाती है, यह जानकारी डॉक्टर सुनील बावस्कर ने दी है। मध्य भारत के सबसे प्रसिद्ध महाराज बाग प्राणी संग्रहालय में आज की हालात में कुल 400 पशु पक्षी है। इसमें पक्षियों की 300 प्रजातियां हैं, जिनमें 2 बाघ, 4 तेंदुए, 4 भालू, 11 नील गाय, 13 काले हिरण, 33 चीतल और 35 हिरण शामिल है। हाँ, जो लंपी स्किन डिसीज जो आहे, हा बोवाइन म्हणजे कुरंग प्रजातीचा हा आजार आहे आणि आपल्याकडे ज्या हिशोबाने अशक्त भाकड कुपोषित हे जनावर आहे त्यांच्यामुळे हा वाढला असावा सध्याच्या परिस्थितीत। तसंच त्याला वातावरण ओलं असलं, पाणथळ जागा असली, त्या हिशोबाने जर कॅप्टिव्हिटीचा जर विचार केला प्राण्यांच्या बाबतीत तर निसर्गात तर प्राणी आपल्या हिशोबाने राहतात, परंतु कॅप्टिव्हिटीत त्यांच्यावर बरंचसं नियंत्रण हे माणसाचं असल्यामुळे माणसांना त्यांची काळजी घ्यायला लागते। महाराज बागेत आपण नियमितपणे निर्जंतुकीकरणाचं सुरूच असते नियमितपणे। त्याच्या व्यतिरिक्त आपण स्प्रेही करतो, त्यांच्या पिंजऱ्यांमध्ये आपण चुनाही पसरवतो जेणेकरून जीवाणू विषाणू कीटाणू यांचा प्रादुर्भाव होऊ नये, त्या हिशोबाने आपण काळजी घेतो। आता कोरोना नेमका संपला आहे, पण महाराज बागेत आतापर्यंत कोरोनाचा शिरकाव किंवा त्याची लक्षणं कोणत्या प्राण्यात आपल्याला दिसलेली नाही। लंपीमध्ये सुद्धा लंपीच्या हिशोबाने लंपी जो आजार होतो तो व्हायरसमुळे होतो आणि व्हायरस जो आहे त्याचं जे ट्रान्समिशन आहे ते जनरली आजार त्या प्राण्याला जास्त प्रमाणात होतो जो प्राणी कमजोर किंवा खाण्यापिणं कुपोषित असतो। तर त्याच हिशोबानं लंपी डिसीज जो आहे तो ज्या पद्धतीनं मच्छर चावल्याने किंवा कीटक चावल्याने किंवा व्हायरसमुळं प्रसारित झाल्यामुळे किंवा सलायवा यातून वगैरे जो काय तो स्प्रेड होऊ शकतो, तर तसा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी आपण आपल्याकडे जे काय कुरंग प्रजातीचे उदाहरणार्थ नीलगा आहे आणि काळवीट आहेत आपल्याकडं, तर त्या प्राण्यांच्या पिंजऱ्यांमध्ये आपण चुनाही पसरवलेला आहे। त्याच्या व्यतिरिक्त आपण त्यांच्या पिंजऱ्यांमध्ये स्प्रेही करत आहे जेणेकरून गोचिड मच्छर यांचा प्रादुर्भाव होऊ नये। त्याच्या व्यतिरिक्त जीवाणू विषाणूच्या अगेन्स्टही आपण त्यांच्यात स्प्रे करत असतो। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिज देशमुख, BCN न्यूज़, नागपुर।